तो डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण के तहत आईआर के तहत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। और कोई भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट पता है तब होता है जब उसकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उसकी रेलिवेंस ज्यादा हो, है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कई बार पूछा गया हो या पूछा जाने की संभावना हो, उस दृष्टिकोण के तहत आपको हर टॉपिक को और हर सब्जेक्ट को उसी अनुरूप तैयार करना चाहिए। तो आज का टॉपिक आप लोगों ने हेडिंग देख लिया होगा कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो अब तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, है ना। ये चीन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीन में कोई राष्ट्रपति तीसरा कार्यकाल शुरू करने जा रहा है। और इसके लिए ना शी जिनपिंग ने खुद ही अपनी पार्टी के संविधान में संशोधन किया और इस तरह के नियम लाए कि अब वो लगभग जीवन भर चीन के राष्ट्रपति बने रहने का वो अपना प्रोग्राम फिक्स कर चुके हैं। क्या है मुद्दा और कौन कौन सी चीजें हुई हैं आखिर में चीन में पिछले 4-5 सालों में, और किस तरह से चीन का राष्ट्रपति अब अपने आप को तीसरा कार्यकाल वो जैसे शुरू करने जा रहे हैं, तो हम लोग एक नजरिया ये भी देख लेंगे कि भारत के साथ किस तरह के संबंध अभी तक रहे हैं जब से वो सत्ता में रहे हैं, और साथ ही अब अगर वो तीसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो भारत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों के तहत अब चीन किस आयाम में अपने आप को लेके जाएगा, किस दिशा में अपने आप को लेके जाएगा। इन सब चीजों को लेकर हम लोग बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए, थोड़ा सा ये देखिए कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन की है, ठीक है ना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है ना। अब इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, सबसे पहले इसको देखिए। हालांकि पार्टी को लेकर प्रश्न यूपीएससी नहीं पूछने वाला है, लेकिन पार्टी से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि भारत और चीन में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि चीन में साम्यवाद है, भारत में लोकतंत्र है ना। और चीन की जो साम्यवादी पार्टी है वहां पर पहली चीज एक ही पार्टी मौजूद है, दूसरा कोई पार्टी है ही नहीं, तो चुनाव होते ही नहीं है। पार्टी के तहत ये चीजें हैं कि जो पार्टी का महासचिव होगा, जो उस पार्टी का महासचिव होगा सीसीपी का, वही सरकार का भी प्रमुख होगा, वही जो है सेना का भी प्रमुख होगा चीन में, है ना। अब देखिए, अब इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। सबसे पहला अधिवेशन जो है वो इनका 1921 में हुआ था शंघाई में। अब कल इनका जो नया अधिवेशन है, लगभग 20वां अधिवेशन होने जा रहा है, ठीक है, 20वां अधिवेशन होने जा रहा है सीसीपी का। अब इस अधिवेशन के तहत कहीं ना कहीं पर यह तय किया जाएगा कि चीन के तीसरी बार के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे, है ना। अब देखिए इस चीज को, एक चीज आप लोगों ने समझ ली कि जो इसका महासचिव होगा, इसका पहले कार्यकाल ना, इस पार्टी के महासचिव का कार्यकाल पहले 10 साल तय था। तो 10 साल का मतलब यह था कि कोई भी राष्ट्रपति जो चीन में बनेगा वो लगभग 2 बार कार्यकाल करेगा, है ना। 2017 में जो शी जिनपिंग है उन्होंने, वो पार्टी के महासचिव थे, तो उन्होंने कुछ नियमों में बदलाव किया। बदलाव ये था कि इस 10 साल के कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया, है ना। वो उन्होंने अपने फायदे के लिए किया, क्योंकि वो तीसरी बार राष्ट्रपति बने, फिर चौथी बार बने, जब तक वो जीवन पर्यंत राष्ट्रपति रह सके। अब ये चीजें हो गई वहां पर, और उसी का नतीजा अब नया अधिवेशन होने जा रहा है जिसमें वो तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चयनित किए जाएंगे। अब ध्यान से समझिए चीजों को, चीन या कोई एक पर्सनैलिटी किसी एक पार्टी पर इतनी हावी क्यों होती है। देखिए, इससे पहले जब ये सीसीपी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1921 में, तो माओ तसे तुम, ये चीन के संस्थापक नेता थे, है ना। इस पार्टी के संस्थापक भी थे, और 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की एस्टेब्लिशमेंट हुई, है ना। चाइना जब से स्थापित हुआ, सरकार के फॉर्म में कार्य करना शुरू किया, तो उन्होंने 1949 में शुरू किया, तब भी माओ तुंग ही थे जो कहीं ना कहीं पर संस्थापक थे। उन्होंने उसके बाद से, जब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया था, जब उनकी मौत हो गई लगभग 1978 में, उसके बाद से अब चीन के इतिहास में पहली बार कोई इतना मजबूत शासक हुआ है जिसने पार्टी को अपने अनुरूप चलाया है। तो उसके कुछ तो कारण रहे होंगे ना कहीं पर शी जिनपिंग में कुछ तो खूबियां होंगी जिस वजह से वो चीन का तीसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी ने उनको एक्सेप्ट कर दिया है। कल चीन में व्यापक पैमाने पर जो है वो प्रदर्शन हुआ है, ठीक है ना, विरोध प्रदर्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि वो चीन के लोग दो चीजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी मुद्दा करंट अफेयर का समझ लीजिए। दो कारण उनके क्या है। पहला उनका कारण ये है कि चीन जो जीरो कोविड पॉलिसी लाया है, ठीक है, तो उसके लिए चीन ने कहीं ना कहीं पर बहुत ही सख्त नजरिया अपनाया है। आपको पता होगा मानवाधिकारों का व्यापक पैमाने पर उल्लंघन हुआ है चीन में, क्योंकि लोकतंत्र तो है नहीं, तो वहां पर अधिकारों की कोई बात ही नहीं होती।
दूसरी चीज ये है, तो इसको लेकर लोग काफी नाराज हैं और इस वजह से चीन की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। ये हम लोगों ने एक वीडियो में चर्चा भी की थी चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर। दूसरा रीजन, कहीं ना कहीं पर वो चाहते हैं कि शी जिनपिंग का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, जिनपिंग का विरोध कर रहे हैं वो चीन के राष्ट्रपति का, कि ये तीसरी बार राष्ट्रपति क्यों बन रहा है। अब इस विरोध को दबा दिया गया, ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं वो दबाएंगे ही, तो उन्होंने कल इस विरोध प्रदर्शन को भी दबा दिया है, वरना वहां पर काफी ज्यादा नारे लगे हैं, नारेबाजी हुई है उनके विरोध में। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा जिनपिंग को समझ लेते हैं, इनको लेकर थोड़ी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, यहां से समझने की कोशिश कीजिए, 2012 में, जब 2012 में 18वां इसका सीसीपी का अधिवेशन हुआ था ना, 18वां सत्र हुआ था जब, तब दो प्रमुख जो थे लक्ष्य तय किए गए थे सीसीपी के लिए, ठीक है, चाइनीज की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके लिए दो लक्ष्य तय किए गए। कौन सा पहला लक्ष्य है? पहला लक्ष्य ये था कि 2021 तक, क्योंकि देखो इसको 100 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, है ना, 1921 में स्टेब्लिशमेंट हुई थी और 2021 में 100 साल पूरे हो जाएंगे इस पार्टी को, तो इसकी 100वीं वर्षगांठ पर गरीबी मुक्त करना था देश को, पूरी तरह से गरीबी मुक्त करना था चीन को, ये इनका पहला लक्ष्य था। अब हालांकि रियलिटी क्या है ये तो अब सोशल मीडिया तो वहां है नहीं, पता चलता नहीं है, लेकिन मेन चीज ये है, चीन की पार्टी ये बोल रही है कि हमने पहले लक्ष्य को तो हासिल कर लिया है, अब चीन में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। दूसरा लक्ष्य इनका ये था, पहले इनका टारगेट था कि 2049 तक, इसको 100 साल पूरे हो जाएंगे जब चीन की स्थापना हुई थी, है ना, 1949 से इनको 100 साल पूरे हो जाएंगे, पहले ये टारगेट था कि यहां तक आते आते चीन को आधुनिक समाजवादी देश के रूप में स्थापित करना है, ठीक है, ध्यान से इस टर्म को समझिएगा, आधुनिक समाजवादी। अब ये क्या है, आपको पता है चीन एक समाजवादी देश है ना, बट चीन ने पूरी तरह से समाजवाद को नहीं अपनाया, क्यों? क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था उसने ओपन रखी है, अगर वो चाहता क्लोज इकोनॉमी रखता ना, अगर समाजवाद मॉडल क्या कहता है कि आप ज्यादा बाजार पर निर्भर नहीं रहेंगे, आप पूरी तरह से सरकार का रोल ज्यादा रहेगा अर्थव्यवस्था में भी, तो वहां पर उन्होंने नहीं अपनाया, जहां उन्होंने अर्थव्यवस्था की जरूरतें थी वहां पर उन्होंने अपने बाजार को ओपन किया, वहां पर उन्होंने पूंजीवादी चीजों को, रवायतों को अपनाया, उस वजह से चीन आज आप देखते हैं कि किस तरह से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया। दूसरी चीज यहां पर देखिए, बट अब वो चाहते हैं कि 2049 में, अब देखिए इस टारगेट को उन्होंने कम करके इस ईयर को अब 2035 कर दिया है, ठीक है, पहले 49 था बट अब 35 कर दिया गया है, 2035 तक वो आधुनिक समाजवादी देश के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। इसके तहत वो ये करना चाहते हैं कि चीन ज्यादातर मामलों में क्या हो, आत्मनिर्भर हो, ज्यादातर मामलों में चीन आत्मनिर्भर बनना चाहता है, ठीक है, चीन नहीं चाहता कि उसकी डिपेंडेंसी बाकी देशों पर रहे, इसलिए चीन ने यह किया कि मैक्सिमम जिन देशों से वो आयात करता था वहां से उसने आयात बंद कर दिया, वहां निर्यात करना शुरू कर दिया, और आप देखते ही है ना आज विश्व लगभग काफी हद तक चीन पर कई चीजों को लेकर डिपेंडेंसी है, जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स को लेकर हम लोगों ने बात की थी कि भारत उसके लिए चीन पर निर्भर है, दवाइयों के लिए जो मेन फार्मूला होता है वो चीन से हमें मिलता है, तो कहीं ना कहीं पर चीन ने सप्लाई चेन्स में जो आपूर्ति श्रृंखला होती है उसके अंदर खुद को बहुत अच्छे से स्थापित कर लिया है। आप देखिए ये दोनों जो लक्ष्य है ना, ये चीन को कौन दिला सकते हैं? शी जिनपिंग, ये सीसीपी को मानना है, ठीक है ना, कि क्योंकि माओ तुंग के बाद, माओ से तुंग के बाद कहीं ना कहीं पर चीन में ये एक उम्मीद देखी गई है कि वैश्विक पैमाने पर चीन को स्थापित करने में शी जिनपिंग एक पर्याप्त भूमिका निभा सकते हैं। अब देखिए शी जिनपिंग पर भरोसा क्यों है, एक चीज तो आप ये समझिए कि जब से शी जिनपिंग सत्ता में आए हैं तब से आप देखेंगे कि चीन का जो नजरिया है ना वो बहुत उग्र हो गया है, किस किस रूप पे, आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से देखिए, चीन ने व्यापक पैमाने पर अमेरिका के सामने एक टक्कर प्रस्तुत की है, आप लोगों ने देखा होगा ना किस तरह से चीन अपने आप को क्या स्थापित करना चाहता है, सुपर पावर के रूप में खुद को एस्टेब्लिश करना चाहता है, और अभी सुपर पावर कौन है, अमेरिका है, तो अमेरिका को अगर कोई हटाकर चीन अगर अपने आप को नई व्यवस्था में एस्टेब्लिश करना चाहेगा तो अमेरिका को तो दिक्कत होगी ही, अमेरिका को दिक्कत हो भी रही है, बट अमेरिका की हालत आप ये देखिए, अमेरिका की हालत आप ये देखिए कि चीन के लिए उसे गठबंधन करने पड़ रहे हैं, किसके साथ, क्वैड जैसे गठबंधन भारत के साथ, है ना, I2U2 ये भी भारत के साथ, है ना, उसके अलावा आप देखेंगे तो ओकस करना पड़ा, ठीक है, ओकस करना पड़ा, ये ओकस क्या था, ओकस क्या था, ओकस था कहीं ना कहीं पर ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका तीनों क्या करना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देना चाह रहा है यूके और अमेरिका, ये इस तरह के गठबंधन क्यों किए जा रहे हैं, ये क्यों किए जा रहे हैं, एक बार थोड़ा यहाँ पे देखिए, ये गठबंधन इसलिए किए जा रहे हैं, इसलिए किए जा रहे हैं ये गठबंधन कि ये चीन को क्या किया जा सके, बैलेंस्ड किया जा सके, ठीक है,
चीन को बैलेंस्ड करने के लिए इस तरह के गठबंधन कर रहा है अमेरिका, है ना। आप एक चीज देखिए कि चीन कहीं ना कहीं पर खुद को स्थापित किया है, तभी तो उसको बैलेंस करने के लिए गठबंधनों की जरूरत पड़ रही है। अमेरिका खुद से तो नहीं कर पा रहा है। और आप मानेंगे नहीं, अभी हाल ही में अमेरिका के जो नौसेना प्रमुख है उनका बयान भी था कि कहीं ना कहीं पर चीन से मुकाबला करने के लिए अब अमेरिका अकेला सक्षम नहीं है। ये खुद चीन के जो अमेरिका के अधिकारी बोल रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि चीन ने सुपर पावर के तौर पर अमेरिका को एक सीधी चुनौती प्रस्तुत की है ना। तो इस चीज को लेकर चीन कहीं ना कहीं पे पार्टी उससे खुश है कि शी जिनपिंग ने इस तरह से चीन को एक व्यापक पैमाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या इस चीज को आगे भी वो रख पाएंगे, इसीलिए उम्मीद कर रही है पार्टी की तीसरे कार्यकाल में वो चीजें करेंगे। इससे उन्होंने क्या किया है, आक्रामकता जो चीन की है ना वो बड़ी है। किसके विरुद्ध? आप देखिए चीन का यही उग्र रवैया भारत के साथ भी है ना, भारत के साथ भी है। और आप देखेंगे दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन देशों के साथ भी दक्षिण चीन सागर विवाद है। वहां पर चीन अपना शरेआम आप देखते हैं किस तरह से आक्रामक रूप प्रस्तुत करता है। 9-लाइन, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, ठीक है ना। 9-लाइन जो है, 9-लाइन जो है, ये चीन बोलता है ये मेरी एक सीमा है, ये इस दायरे में आने वाले जितने भी द्वीप हैं उस पर मेरा अधिकार है। लेकिन वो कई देशों का जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसके तहत आता है। अब आप देखिए कि चीन अगर ये सब चीजें कर रहा है, भारत के साथ आप देखेंगे लद्दाख पर किस तरह से चीन ने अपने आप को स्टेब्लिश किया है, किस तरह से चीन जो है लगातार तनाव क्रिएट करके भारत पर दबाव करना चाहता है। COVID-19 में हम लोगों ने सिचुएशन देखी, 2020 में किस तरह से गलवान घाटी में हिंसा हुई, है ना। पहली बार चीन की सीमा पर आपस में सेनाएं आपस में लगभग लगभग भिड़ी और हिंसा की घटनाएं देखने को मिली। अब इस तरह का नजरिया लेकर चीन आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा आप देख लीजिए इसी उग्र रूप को, आप देखिए मध्य एशिया में, मध्य एशिया में आप देखेंगे तो चीन क्या कर रहा है, ईरान जो अमेरिका का कट्टर है, अमेरिका के साथ ईरान की नहीं बनती, ईरान को ट्रस्ट में ले रहा है। तुर्की जो अमेरिका के काफी हद तक खिलाफ रहता है, तुर्की को ट्रस्ट में ले रहा है। पाकिस्तान तो वैसे भी आपको पता है किसी पक्ष में नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं पर ऐसी चीजें लेकर, इन सब देशों को लेकर और रूस के साथ लेकर चीन क्या कर रहा है, मध्य एशिया में और आप सोचिए पश्चिम एशिया में एक नया गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखेंगे सऊदी अरब भी कहीं ना कहीं पर रूस और चीन की तरफ झुकता जा रहा है। अभी हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें अमेरिका के कहने के बावजूद भी सऊदी अरब ने तेल की कीमतों का या तेल का उत्पादन नहीं बढ़ाया था, है ना। तो अब ये सब चीजें आप रवैया किसके कार्यकाल में देखने को मिल रहा है, चीन के शी जिनपिंग के कार्यकाल में। अब ऐसी सिचुएशन ये आगे भी आप एक्सपेक्ट करेंगे, आगे भी आप सोचेंगे कि अगर शी जिनपिंग बनते हैं तो उनका नजरिया क्या रहेगा। अभी हाल की जो घटनाएं हैं उससे ये निकल कर आ रहा है, क्योंकि देखो चीन के साथ एक चीज थोड़ी सी खराब ये हो गई, एक एक दो चीजें इसलिए थोड़ी खराब हो गई, वो ये हम लोग वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कोविड 19 के बाद चीन को लेकर एक गलत संदेश गया। आपको पता है पहले तो ये रवैया बना गया था कि हालांकि इंक्वायरी चल रही है कि कोविड-19 की उत्पत्ति ही चीन से हुई है ना, चीन ने कोई ना कोई एक रिसर्च कर रहा था जिस वजह से कोविड-19 फैला है। ये जब धारणा बनी तो चीन को लेकर एक नकारात्मक संदेश गया। ये चीज चीन के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। क्यों? इससे बहुत सारे देश आत्मनिर्भरता की तरफ चले, आत्मनिर्भरता। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने चीन से जो आयात था उसे कम किया, भारत ने चीन से आयात डिपेंडेंसी कम की, भारत ने आत्मनिर्भरता अभियान लेके आए, हम भी पैकेज लेके आए। बहुत सारे देशों ने, इवन अफ्रीका के देशों ने यह सोचा कि चीन पर डिपेंड रहना सही नहीं है, क्योंकि चीन लास्ट में धमकी भी देता है, ऋण जाल की उसकी नीति भी है। तो ये सब चीजें चीन, कोविड-19 चीन के लिए सही नहीं रहा, इस वजह से कई देशों से उसका ट्रेड खराब हुआ और उसका अल्टीमेट नतीजा ये हुआ कि चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। चीन की अर्थव्यवस्था के हालात देख रहे हैं ना, किस तरह से चीन की अर्थव्यवस्था अभी भी पटरी पर नहीं लौट रही है कोविड-19 के बाद। उसके अलावा चीजें देखिए, दूसरी चीज क्या हुई चीन को, एक चीज आपको यहां पर यह समझना पड़ेगा कि भारत जो है अभी वर्तमान में क्या सिचुएशन है, चीन को यह चीज समझ में आ गई है कि कोविड-19 के बाद माहौल उसके पक्ष में नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था खराब है, उसका आत्मनिर्भरता को लेकर कई देशों ने अपने आप से पीछे खींच लिया। तो चीन और कहीं ना कहीं पर रूस जो है वो यूक्रेन के साथ वॉर में है, तो उसका सबसे बड़ा पक्ष करने वाला जो देश है रूस जो है वो भी अभी युद्ध में इन्वॉल्व है। तो चीन को ये लगा कि भारत के साथ इस समय पर दुश्मनी मोल लेना सही नहीं है, इसलिए आप देखेंगे कि चीन जो है अब भारत के साथ मित्रता की तरफ बढ़ रहा है।
लगातार उन्होंने जो है लद्दाख को लेकर, हालांकि हमारे जो गृह मंत्री हैं वो बार बार ये बात बोलते हैं, रक्षा मंत्री बोलते हैं कि चीन के साथ तनाव जो है हमारा सही नहीं है लद्दाख पर, लेकिन चीन की तरफ से बार बार ये बयानबाजी ग्लोबल टाइम्स में आते हैं इस तरह के एडिटल आर्टिकल कि चीन जो चाहता है वो शांति चाहता है। तो अब चीन को एक चीज तो समझ में आने लगी है कि अगर मुझे अमेरिका को प्रतिस्थापित करना है तो मुझे भारत का साथ चाहिए होगा। मैं भारत के साथ हर फ्रंट पे आपको दिक्कत मैं खड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखिए एक तरफ चीन शी जो जिनजियांग प्रांत है जो उसका, वहां पर उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार करता है, उसको लेकर आप लोगों ने देखा होगा कि अभी चीन को लेकर ह्यूमन जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, मानवाधिकार जो परिषद है, उसमें चीन के विरुद्ध एक प्रस्ताव लाया गया था उइगर मुसलमानों को लेकर। चीन को पता है तालिबान सत्ता में आ चुका है तो एक फ्रंट वो भी है, रशिया युद्ध में इन्वॉल्व है, इधर अगर वो भारत के साथ भी टक्कर लेता है, और इधर दक्षिण चीन सागर में उसने इंडोनेशिया फिलीपींस के साथ चीजें खराब कर रखी है ना, वियतनाम के साथ, तो आप ऐसी सिचुएशन में इवन वो ताइवान के साथ सही चीजें नहीं चल रही है, तो चीन को लग रहा है कि अगर इस तरह से वो अपने दुश्मनों को बढ़ाएगा या इस तरह से अपनी चीजें खराब करेगा तो बहुत सारे देश अमेरिका के पक्ष में चले जाएंगे। इसलिए चीन ने अब भारत के जैसे देशों के साथ थोड़ा सा रिश्ते बेहतर करना शुरू किया है। तो शी जिनपिंग अगर तीसरे कार्यकाल में आते हैं तो भारत के साथ रिश्ते बेहतर होने की संभावना है, ठीक है, इस चीज को आप मान सकते हैं कि भारत के साथ थोड़े से रिश्ते आने वाले 3-4 साल में चीन के साथ थोड़े बेहतर हो सकते हैं। दूसरी चीज आप एक समझिए, लेकिन चीन ये भी कोशिश कर रहा है कि सेना के तौर पर, अब देखिए हाल ही की एक रिपोर्ट थी जिसमें यह बताया गया था कि लगभग 350 परमाणु बम चीन के पास हो चुके हैं जब से शी जिनपिंग सत्ता में आए हैं, उससे पहले लगभग 150 के आसपास परमाणु बम चीन के पास थे, लेकिन आप देखेंगे किस तरह से इजाफा हुआ है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है चीन लगातार इजाफा कर रहा है, और ये बताया जा रहा है अमेरिका की ही रिपोर्ट है कि 2027 तक ये लगभग डबल हो सकते हैं, 700 परमाणु बम चीन बना सकता है। इवन चीन अपनी सेना को दुरुस्त करने पर लगा हुआ है, अपनी इकोनॉमी बड़ी करने पर लगा हुआ है, हमने बात की थी कि किस तरह से आत्मनिर्भरता वो लाना चाह रहा है, उन लोगों ने 2035 का टारगेट रख रखा है। तो ऐसी स्थिति में हम शी जिनपिंग से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कोई बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय या विदेश नीति में चेंज नहीं आने वाला, वो तो वैसे ही चलती रहेगी, अमेरिका के विरुद्ध आक्रामक रुख जो है वो चीन का बरकरार रहेगा, बट बाकी समीकरण में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है, जैसे भारत के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, चीन अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए भरपूर कोशिश करेगा, उसके अलावा आप देखेंगे चीन कहीं ना कहीं पर भारत को बैलेंस करने के लिए हिंद महासागर और हिंद प्रशांत जो इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में चीन चाहेगा कि भारत की जो मौजूदगी है वो थोड़ी कम से कम रहे, है ना, उस क्षेत्र में चीन चाहेगा कि ज्यादा वो अपने अपने जो नौसैनिक बेड़े जो हैं या नौसैनिक अड्डे स्थापित करने पर चीन ज्यादा ध्यान दे रहा। आप देखिए भारत के विरुद्ध कौन सी नीति के पालन करता है, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है, इस नीति को याद रखेंगे, यूपीएससी इस पर प्रश्न भी पूछ चुका है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति मतलब घेरे की नीति बोलते हैं, इस तरह से भारत को हिंद महासागर में पूरी तरह से घेर लेना, जैसे जिबूती में चीन ने सोचा है कि वहां पर उसने अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित किया, श्रीलंका में कई पोर्ट्स उसने कहीं ना कहीं पर लीज पर ले रखे हैं, ये क्या है, ये भारत को घेरने की एक उसकी पुरानी नीति है जिसको वो आधुनिक रूप में प्रस्तुत कर रहा है। अब आप सोचिए ये सब चीजें जो हैं चीन के कहीं ना कहीं पर आने वाले समय में भी हमें देखने को मिल सकती हैं। शी जिनपिंग जो है वो अब तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने की तरफ जा रहे हैं, तो उम्मीद तो हम ये कर सकते हैं कि भारत के साथ रिश्ते थोड़े बेहतर हों, अमेरिका के साथ चीजें वैसी ही चलती रहेंगी, लेकिन भारत को ये देखना होगा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, है ना, हमें दोनों चीजों पर ध्यान रखना है। एक चीज भारत की हमेशा से नीति ये रहती है कि एक तो हमें ये देखना है कि कहीं ना कहीं पर चीन हमारा पड़ोसी देश है, हम लोग कई बार बात करते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप मित्र तो बदल सकते हैं पर आप पड़ोसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, और चीन हमारा पड़ोसी देश है, बहुत बड़ी सीमा लगती है उसके साथ, तो ऐसी स्थिति में हम उसके साथ बहुत ज्यादा रिश्ते एक लेवल से ज्यादा खराब नहीं कर सकते। दूसरी चीज हमें ये देखना है कि जहां चीन हमें ज्यादा दिक्कत करे, जैसे लद्दाख में तनाव को लेकर या सीमा विवाद को लेकर जब तक सॉल्यूशन ना हो तब तक हम चीन के साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं करेंगे। अब भारत काफी हद तक ये संदेश दे चुका है चीन को कि आप, चीन पता क्या कहता है, चीन बार बार भारत को बोलता है कि आप सीमा विवाद अलग रख के अर्थव्यवस्था के मामले में हमसे डील करें, भारत बोलता है ये कैसी बात हुई, अब तक ये चीजें हुई हैं बट अब नहीं होंगी, सीमा विवाद हमारी पहली प्राथमिकता है, आप पहले उसको सॉल्व करिए,
उसके बाद हम आपके जाके अर्थव्यवस्था और बाकी अन्य मुद्दों पर हम आपसे अच्छे से बातचीत करेंगे। तो ये चीजें भारत को आगे भी रखनी चाहिए। जहां चीन हमें दिक्कत करे वहां हम ताइवान के मुद्दे को उठा सकते हैं, वहां हम थोड़ा सा ताइवान की चीजों को लेकर चीन को थोड़ा कर सकते हैं, तिब्बत की चीजों को लेकर हम थोड़ा सा चीन के विरुद्ध बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, चीन पर भी एक 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 नैतिक दबाव उत्पन्न होगा भारत के साथ संबंध नॉर्मल करने का। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से चीजें समझने की कोशिश की है। इस मुद्दे को और गहराई से किसी दिन, जैसे हिंद महासागर एक टॉपिक है, हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि हिंद महासागर में चीन किस तरह से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। क्योंकि देखिए यूपीएससी दृष्टिकोण से ना, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस हो या प्री हो, अंतरराष्ट्रीय संबंध आपको वैसे ही पढ़ने हैं। चीन को लेकर हर बार यूपीएससी प्रश्न पूछता है तो हम चीन, यूएसए और ये जो समीकरण डे बाय डे इंप्रूव होते रहते हैं, आपको, आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम जितनी वीडियो आई है मैंने ये समीकरण आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी बनी रहे कि किस तरह से नए समीकरण डे बाय डे इंप्रूव होते रहते हैं, भारत उसमें कहां पर खड़ा है, कैसे चीजों में बदलाव हो रहा है, इन सब चीजों को लेकर आपके मन में क्लैरिटी बनी रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।